डियर फ्रेंड्स, आज की चर्चा का विषय है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पर इसके पहले दो वीडियो मैंने डाल रखा है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं जो आप उसके सामने दिए जा रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है, यही आपको पॉइंट आउट करना है। जैसे ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का पार्ट थ्री है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, एच प्लस यानी एच टू एस ओ फोर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। एक दिए हुए चार प्रोडक्ट हैं, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट सही है यही आपको आंसर करना है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आपको इसका मैकेनिज्म पता है तो आप आसानी से इसका प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। यह एक रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है जिसमें एक रिंग की साइज बड़ी हो रही है, दूसरे की साइज बड़ी नहीं हो रही है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वह स्पाइरो प्रोडक्ट बनता है। अब ये दिए हुए कंपाउंड में देखना है कि कौन से प्रोडक्ट स्पाइरो है। तो वन स्पाइरो कंपाउंड है, सेकेंड भी स्पाइरो कंपाउंड है, लेकिन थ्री और फोर्थ जो आंसर दिए हुए हैं ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, अतः थ्री और फोर आंसर नहीं हो सकते हैं। वन और टू में कोई करेक्ट आंसर हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन टू है। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। इसमें ये ध्यान देना है कि ऑक्सीजन उस रिंग के साथ इंटैक्ट रहता है, जो रिंग की साइज बड़ी बड़ी होती है उसके साथ रहता है, तो इसमें ऑक्सीजन में और रिंग बन रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच्ड है और यह स्पाइरो रिंग बन रही है, अतः ऑप्शन टू करेक्ट है। ये मैकेनिज्म ऑलरेडी इसका मैंने डिस्कस कर रखा। फिर इसी क्रम में मैं दूसरा सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके सामने क्वेश्चन टू विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपका ये आपका रिएक्टेंट है, ये टू से फोर ऐसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसके फोर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, सेकेंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ये
ये चार ऑप्शंस दिए हुए, ये रिंग है, एक 1,2-dihydroxy कंपाउंड है, एक पोजीशन 1 है, ये कार्बन 2 मान लिया जाए अगर, तो डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, 1,2-diol है, एच प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ये दिए हुए जो प्रोडक्ट है 1,2,3,4 है, करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है ये आपको आंसर देना है। अब इसका भी मैकेनिज्म है, वीडियो में डाल रखा है कि कार्बोकेटायन जनरेट होगा, इससे जनरेट होगा कि इससे जनरेट होगा, तो इससे जनरेट होगा, और जब इससे जनरेट होगा तो रिंग का एक्सपेंशन होगा और इसके एडजेसेंट पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप जनरेट होगा। तो अब देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें जो ऑप्शन या करेक्ट आंसर है वो आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, आंसर करेक्ट है इसका 1 आंसर करेक्ट है, क्योंकि कीटो ग्रुप जनरेट होता है, इसके रिसेंट पोजीशन पर सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं, यहाँ पर एक पोजीशन छोड़ के सब्सिट्यूएंट है, यहाँ दोनों सब्सिट्यूएंट अलग अलग हैं, यहाँ पर ये कीटोन इस तरह का बन रहा है, तो इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। वीडियो पढ़िएगा उसमें उत्तर इसका मिल जाएगा, मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूँ कि इसका करेक्ट आंसर 1 है, आंसर 1 इज करेक्ट। और एक थर्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन 3 है, दिस इज OH CH3, दिस इज CH3, एक प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बनता है, करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन है। इस तरह के रिएक्शन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो नंबर 2 में, कि जब भी इस तरह का इक्विटोरियल पोजीशन पर 1,2-diol हो तो इनका प्रोटोनेशन होता है, इसे कार्बोकेटायन जनरेट होता है जिसमें बॉन्ड शिफ्ट करता है, रिंग की साइज छोटी हो जाती है और कीटो कंपाउंड जनरेट होता है। ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में दोनों ऐसे ऑप्शन लिखे हुए जिसमें रिंग की साइज छोटी नहीं हो रही है, ये भी 6 मेंबर है, ये भी 6 मेंबर है, लेकिन 3 ऑप्शन में 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 4 में 5 मेंबर रिंग है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो जब मैकेनिज्म का सीक्वेंस लिखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, तो आंसर 3 इज करेक्ट, दिस इज द आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इस तरह से मैंने AMCQS के 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा, और मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैकेनिज्म को ध्यान में रखेंगे तो आंसर आसानी से निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।